प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 186 एटी सिक्स होमोलॉगी सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि होमोलॉगी क्या है या होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या है बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स विच आर कॉमन या है बेसिक सिमिलर स्ट्रक्चर बट दे मे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के अंदर एक जैसे होते हैं यानी इनका जो बेसिक प्लान है वो सेम होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि यह तमाम organisms के अंदर सेम फंक्शन परफॉर्म करें फॉर एग्जाम्पल इस स्लाइड्स के अंदर अगर हम देखें तो इस स्लाइड के अंदर ह्यूम का जो फोरलिम है उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहां पर जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है इसका जो पार्ट है humerus, के बाद, radius, मेटाकार्पल्स और मेटाकार इसी तरीके से ये अलना है अब ये जो बेसिक पैटर्न है ये सेम है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैड के विंग्स की बात करें तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी सेम है ह्यूमन्स से मैच करता है इसी तरीके से अगर फ्रॉग के लिम्स की हम बात करें इसका स्ट्रक्चर ह्यूमस के साथ मैच करें तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है इसी तरीके से हॉर्स का जो है इसको ह्यूमन के लिम के साथ कंपेयर करें तो इनकी इंटरनल जो अनोटमी है वो तकरीबन सेम है लेकिन यहां तमाम जो एनिमल ग्रुप इनके अंदर इस ऑर्गन का जो फंक्शन है वो वेरी करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो के बेसिकली सेम स्ट्रक्चर रखते हैं डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के अंदर बट दे मे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अब ऐसे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऐसे स्ट्रक्चर ऑर्गेजम्स के अंदर बेसिकली सेम क्यों होते हैं इस वजह से सेम होते हैं कि जिन ऑर्गेजम्स के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलैरिटी है इनका एंसेस्टर एक है ये किसी एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं लेकिन ये ये जो जो हैं, हैं। हैं, किस्म के 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 अंदर अंदर रहना शुरू कर देते हैं। different habitats के अंदर जो requirements वो डिफरेंट होती हैं। इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे स्टार्ट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन और ये जो फिनिना है इसको हम डायवर्जेंस कहते हैं इसका मतलब ये है कि जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं, ये डायवर्जेंट एवोल्यूशन के नतीजे में इवॉल्व होते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर सेम रखते हैं क्योंकि इनका एंसेस्टर सेम है किसी कॉमन एंसेस्टर से ये इवॉल्व होते हैं लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम दे स्टार्ट टू हैव डिफरेंट फंक्शंस। तो ये जो फिनोमेना था इसको हम डायवर्जेंस कहते हैं अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो हॉमर एगर के एग्जाम्पल्स हैं फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, यहाँ पे विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स इनके अंदर होमोलॉगी मौजूद है इनका जो स्ट्रक्चर है सेम है इसी तरीके से आर्म्स ऑफ प्राइमेट्स, इनके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है फ्रंट फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड फोर लैग्स ऑफ फोर लेग वर्टिप्रेट लाइक डॉग क्रोकोडाइल ये तमाम वो एनिमल्स हैं जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मौजूद है यहां पे भी अगर हम देखें ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं यहाँ पे बर्ड्स का जिक्र है फ्रॉग बैट बेल कैट लिजर्ड और ह्यूमन इनके अगर हम लिम्स की ओनाटमी को कंपेयर करें तो इनके अंदर बेसिक सिमिलैरिटी पाई जाती है इसी तरीके से अगर हम टेल बोन की बात करें ह्यूमन के अंदर जो टेल बोन है जिसको कॉक्सिक टेल बोन हम कहते हैं ये ऐसे एनिमल्स के साथ यसरा मंकी है मंकी के अंदर बकायदा टेल मौजूद है ह्यूमंस के अंदर टेल मौजूद नहीं है लेकिन ये टेल बोन का होना ये इंडिकेट करता है कि और इनका स्ट्रक्चर मंकी की जो टेल बोन है उसके साथ मैच करता है जो ये इंडिकेट करता है कि दोनों ग्रुप्स का ओरिजिन सेम है इसी वजह से इनके अंदर ये सिमिलैरिटी मौजूद है इसी तरीके से अगर हम नेक बॉन की बात करें तो इंस्पाइट ऑफ हाइट जिराफ हैज वेरी सेम नंबर ऑफ नेक बोन एंड बींग्स ह्यूमन बींग अंदर जो वर्टिवरी है उसके अंदर जो बोन्स है ये जिराफ से बहुत ज्यादा मैच करती हैं इसका मतलब ये है कि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है ये क्यों सेम है क्योंकि इनका औरिजन सेम है तो ये बेसिकली ऑर्गम्स के रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट जो एनिमल ग्रुप्स हैं उसके पैल्वस के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो उनके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है बोन्स की तादाद बोन्स का जो नंबर है वो सेम है जो ये इंडिकेट करता है कि इन ऑर्गेनिजम्स के दरम्यान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इनका एंसेस्टर सेम है इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की आई स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम के अंदर जो आई स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है ये भी इंडिकेट करता है कि इनका ओरिजिन सेम है इसी तरीके से हम तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो उनके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मौजूद है फॉर एग्जांपल ऑल ऑर्गेनिजम्स कंटेन होमोलोगस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद व्हाट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर तकरीबन एक जैसी है जो ये इंडिकेट करती है कि ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन सेम है इसी तरीके से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑडिटरी बोन्स है उनके अंदर सिमिलरिटी है जो भी कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ इशारा देती है इसी तरीके से जो स्टिंगर वास और बीस ओविपोजिटर ऑफ इनके दरमियान में जो सिमिलैरिटी है ये भी हमें इस तरफ इशारा देती है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मौजूद है इनका एंसेस्टर सेम है तो होमोलोगस स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में सेम है लेकिन इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है और दी स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ डाइवर्जेंस